अपना दर्द जो तुसी अपने तक महदूद रखोगे ना उदी कोई दुआ हो जाएगी। अपना दर्द जो तुसी लोकां नूं दसोगे ना तुहाडे दर्द दा तुहाडे दुख दा तमाशा बनेगा। तुहाडे दर्द नूं वेख के तुहाडे दुख नूं वेख के हसण वाले बड़े हुंदे ने, तुहाडे दर्द की दुआ करन वाले बड़े घट हुंदे ने। अपना दर्द अपने तक रखो, लोकां तक जाएगा ना। अगर तुहाडे दर्द की लोकी दुआ करनगे ना, लोकी हल करनगे तुहाडी तकलीफ दा, ते मुफ्त नहीं करनगे, उहदा मुआवजा लैणगे, उहदे उहदे बदले अंदर तुहाडे कोलों कुछ लैणगे। दर्द के दौरान तकलीफ के दौरान मुस्कराना सीखो। जिनी मैनू तकलीफ है इस टाइम, अल्लाह की कसम मेरे होंठां दे आसा ना वेखो, मुस्कुराहट ना वेखो। लेकिन मैं रोंदा क्यों नहीं, मैनू पहला तो एज ए मोटिवेशनल जाणिया जांदा, दूजे नंबर से मैं रोवां भी तो किन्ने मेरे दर्द की दुआ करनी है, किन्ने हल करना है। या जिस दिन मैनू सट लगी सी, जिनी उस दिन मैनू तकलीफ सी, उस दिन मैं क्यों यानी कि लोगों के सामने उठ के खलो गया, क्योंकि मैनू मेरे दर्द की दुआ करने वाला कोई भी नहीं। तमाशा वेखने वाले बहुत ने, फोटो चाड़न वाले बड़े ने, क्या वेखो जी इतने सड़क के उत्ते डिगा तो कपड़े पाट गए तो ये वो फलां फलां। इस वास्ते तुहानू इह कहांगा कि जिंदगी होवे, जिंदगी होवे कि बंदा किसी का दर्द महसूस करे। बाबा जी सुभाष किड्डी सोहनी गल लिखते हैं, उन्हें आख्या अपना दर्द तो जानवर ही महसूस कर लेंगे ने, असली इंसानियत ये वे कि बंदा किसी का दर्द महसूस करे। अगर तुसी किसी का दर्द महसूस नहीं ना कर सकते तो क्या जानवर तो कहे तुसी फिर इको जे, क्योंकि जानवर ही नाल वाले जानवर का दर्द महसूस नहीं कर सकता। उहदी पीड़ एक जा मिसाल के तौर पर एक खुरली के उत्ते दो मझां बजियां ने, एक मझ नूं तकलीफ है, एक किसी जानवर नूं भी तकलीफ है, उहनूं की पता कि इहनूं की तकलीफ है। अगर तुसी इंसान होने के नाते, अशरफुल मखलूक होने के नाते दूजे का दर्द महसूस नहीं ना कर सकते तो क्या कट्टा बछा दे के मझ गां, फिर एक ही गल, अगर इंसान हो तुसी अशरफुल मखलूक हो फिर दूसरे का दर्द महसूस करो। तो मैं तुहानू ये गल आखना कि अपना दर्द अपने तक रखो, अपने तक महदूद रखो। अगर तुहाडा दर्द दूजे तक जाएगा ना तो तुहाडे दर्द का तमाशा बनेगा, हल नहीं। यार जिते मर्जी भी तुसी परेशान हो ना, अपने आप नू कदी ना सुट्टो। और यार डिग्गी दीवार दियां लोकी ईटां चुक के लै जांदे, हुण मैनू सट लगी, मैनू चोट आई है, मैं रोंदा ही रहा, मैनू सट लग गई है मैं मर चलना, मैनू सट लग गई है मैं मर चलना, कख भी नहीं ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अगर मैनू सट लगी है, लखां लोकां दे अखां दे विचों मेरे वास्ते आंसू निकले ने, लखां लोकां दे दिल दे विचों मेरे वास्ते दुआवां निकलियां ने, जिथे मेरी इस सट दा मेरी चोट दा जश्न मना लाने सन, तमाशा वेखण वाले सन, उत्थे मेरे वास्ते रोण वाले भी सन। शाहदरे तो एक बीबी कॉल की तो रोई जाए, मैं आख्या की गल आखन लगे, असी तो सारा खानदान बह के तेरिया वीडियो वेंदे सन, तेरे वास्ते यासीना पढ़ाइया, ना मैनू उन्हां कोलों कोई मतलब, ना उन्हां नूं मेरे कोलों कोई मतलब, बस प्यार मुहब्बत की बात, एक चाह की बात। सो इस वास्ते मैं तुहानू ये कहना चाहवागा कि अगर तुसीं तकलीफ दे विच हो तो अपनी तकलीफ नूं महदूद रखो, अपनी तकलीफ का अपने दर्द का तमाशा ना बनवाओ। मिलने एक नवी वीडियो के नाल, अपना बड़ा सारा ख्याल रखियो। इहदे नाल जो अवैस घुमन सियालकोटी नूं इजाजत, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम अवैस घुमन सियालकोटी, अवैस घुमन सियालकोटी चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, नाले बैल का बटन ऑन कर लो ताकि डेली जिहड़ी नवीं तों नवीं वीडियो आए तुहानूं वेखण मिलदी रहे। और मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट है अवैस अमन घुमन, उन्हें फॉलो कर लो, इनशाला लाइव गपशप हुंदी रहे करेगी। टिकटॉक का अकाउंट अवैस घुमन सियालकोटी, उन्होंने भी फॉलो कर लो। और मेरे फेसबुक के पेज का नाम ही अवैस घुमन सियालकोटी है, इन्हू लाइक कर लो, फॉलो कर लो। अपना बड़ा सारा ख्याल रखियो। सलाम आखरी वसलाम।